देखो क्या होता है ना, सारे आंसर्स अभी सच्चे नहीं दे सकते कि घर जाके भी कैंडल जल जवाब देना होता है. कैंडल I'll just freeze, honestly. Like, I think I'll be that person जो अपनी खुद की बेइज्जती करा के आ जाएगी. मैं बोलना कुछ और चाह रही होंगी और मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ाएगी. उधर थोड़ा उसको बोलना. I'll तो confess. मतलब ये नहीं बोलूँगा कि being in a relationship with me ऐसा कुछ, but I'll just confess. कि regret ना होना चाहिए life में. And I'll be like, it's okay even if you want to friend zone me, but like, just keep me in your life. झूठी. I'll just be that. तो झूठा. नहीं यार नहीं, आई डिडंट टेक अ लॉट ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. मतलब वो तो नेचुरली हो जाते थोड़ा थोड़ा. एक्चुअली हमारे डायरेक्टर का और राइटर का जो एक्सपीरियंस था ना, उसके हिसाब से हमने एक्ट किया. नो आई डू माय एक्सपीरियंस, आई डू माय. इट्स ऑल फन. मतलब इन कॉलेज आई हैड वन गर्ल हु आई लाइक एंड शी लाइक समवन एल्स. इन क्रश आई लाइक आद्या एंड शी लाइक समवन एल्स. सो एट दिस पॉइंट आई एम टेलिंग Amazon Mini TV दैट दे शुड मेक मी द ब्रांड एंबेसडर ऑफ एक तरफा आशिक्स, बिकॉज़ आई थिंक आई हैव डन इट फॉर टू लॉन्ग नाउ. समर की दो तीन क्वालिटीज जो है वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने वो अडैप्ट किया. जैसे सी रियल लाइफ, हां हम लोग भी, मैं तो रैपर नहीं हूं, मतलब ऐसे प्रोफेशनली ये भी बॉक्सर नहीं, मैं पोएट नहीं हूं, तो हां वो सारी चीजें नहीं सीखने तो मिलती है फॉर श्योर. और अच्छा है कि मतलब लोगों को पसंद आया, हम लोग का वो रियल लगा, तो दैट्स ग्रेट. I don't even know if it used to like qualify as a relationship, because mostly सारे romances school में start हो जाते हैं और that is like the initial ऐसा थोड़ा सा butterflies आनी शुरू होती है. I'm a Bollywood maniac. I ऐसा होता है बहुत. Bollywood वाला मतलब कि कुछ scenario से create करना. मैं romanticize कर लेता हूँ scenario को. अगर Bollywood film की अगर मेरे को उस लड़की ने pen दे दिया, अगर मेरे पास pen है, मैंने फिर भी पूछा कि can I get a pen, I didn't get a pen, उसने मेरे को pen दे दिया. वो fan की हवा लग जाती है बस. हाँ, fan की हवा चल रही है. और वो होता है, वो अभी रियलाइज होता है रेट्रोस्पेक्ट में कि नहीं वो प्यार तो नहीं था, पर हाँ वो, पर एक्चुअली वो जो था वो भी एक इतना डिफरेंट है, और वो इतना मतलब हम बच्चे थे तो वो इमोशन अब अलग है, क्योंकि वो हम कभी फील नहीं करेंगे वापस, तो वो बेस्ट फील करेंगे. एंड एट सम पॉइंट इन द प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो आल्सो कभी-कभी मन करता है कि वो चाइल्डिश वाली इनोसेंस अगर थोड़ी सी अगर आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में या अपने अंदर लेके आ सकते हो, तो शायद वो दूसरे इंसान को बहुत समझ रहे हो. अनुप्रिया के बॉयफ्रेंड समझ रहे हो, आ रहा है घर पे मैसेज. लकी मैन, लकी मैन. नहीं मैसेज दे रही है भाई. I think for Zoya, it is really, 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 really commendable that she hasn't killed any one of the characters. Yeah, extremely commendable. Because uska gussa uski naak par rehta hai. She's a no bullshit girl, and that is something that maine khud se bhi seekha hai. I mean, khud ke liye bhi seekha hai usse. Like she has really firm boundaries in her life, and starting se hi she was the person who always wanted the best for herself and for her friends. So that is something which has only unfolded and it's got better and better every season. Prateek is Prateek. Like Prateek is the notorious guy. He is in love, and I think he will carry on to be. And he loves his art. He loves rapping, and that carries on even now. But हाँ, है उसकी दो तीन नई चीजें. Obviously, वो spoiler तो देंगे नहीं. आप देखना season ये वाला. And yeah, rest of it is same. Summer का बहुत simple है, sorted है. और he is aware of his surroundings और बहुत mature है अपनी age के age से ज़्यादा. और आगे की सीजन में कुछ ऐसा होता है कि यू नो ही इज एक्सपीरियंसिंग सम थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, तो वहाँ पे कहीं वो चूक जाता है. बट ओवरऑल वो है एक्सपीरियंस बहुत सारी और चीज़ों में, बट कोई कोई चीज़ों में वो अभी एक्सपीरियंस करेगा. मैंने साहिल को हर बार ऐसे देखा है कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट गाय, दिल का सच्चा है. ही नोज व्हाट हिज फीलिंग्स आर, ही नोज व्हाट हिज बाउंड्रीज आर. ही इज गॉन थ्रू अ लॉट when it comes to the love angle. Aage jaake bhi he goes through some hurdles, some good things which you guys will watch. But yeah, I think your last question ki what
like attributes you take from a character. I would say that from Sahil, what I took is that there's a clarity and there's an honesty to him. He does not cross any boundaries that another person does not want to cross, which I think for a school kid is very mature. Jo I think mujhe bhi itni nahi hai jitni Sahil mein. Also, the story has been set in a small town, so काफी लोग relate कर पाएंगे जब आप एक small town से आते हो and वहाँ के जो values होती है, वहाँ के जो traditions होते हैं, वहाँ पे जैसे बच्चे पलते हैं और बड़े होते हैं, वो बहुत ही अलग होता है, बहुत अलग metropolitan cities से. So वो nuances आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, especially अगर आपने season one देखा है और अब तक वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब you know maintained रही है. So that is something like later on they will go on graduate maybe, I don't know, but yeah, this is something which will stick with them. तो देखिए Crush का नया season on Amazon Mini TV, जो है आपके Amazon Shopping app पर, वो भी बिल्कुल free. Play Store पे भी है, Desktop पे भी है, आपका Fire TV पे भी है, Fire TV पे भी है, और अगर Amazon Prime पे भी है, तो अब तो देख ही लो, मतलब अब तो हर जगह available कर दिया. अब कोई reason नहीं है, अब देखना पड़ेगा, please.